क्वेश्चन नंबर 20, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला दिया हुआ है और डिफरेंशिएशन का यूज करके हमको कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला फाइंड करना है। तो मान लेंगे कि लेट ए प्लस बी, लेट ए प्लस बी बी ए फंक्शन ऑन टी, ठीक है। तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू टी, ठीक है, रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड को, तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी हो गया, थोड़ा सा साइन में लिखता हूँ, साइन का डिफरेंशिएशन हो जाएगा कॉस ए प्लस बी, और फिर से ए प्लस बी को भी डिफरेंशिएट करना है विद रेस्पेक्ट टू टी, तो ए का हो जाएगा डी ए बाई डी टी और बी का हो जाएगा cos a डी ए बाई डी टी, ठीक है, ये इस टर्म का डिफरेंशिएशन हुआ है, अब इसका करेंगे प्लस कॉस ए को छोड़ेंगे तो साइन बी का हो जाएगा कॉस बी डी बी बाई डी टी प्लस, अब साइन बी को छोड़ेंगे तो कॉस ए का हो जाएगा माइनस साइन ए, माइनस साइन ए डी ए बाई डी टी, डी ए बाई डी टी। अब इसमें जो डी बी बाई डी टी है उसको कॉमन ले लेंगे और डी ए बाई डी टी उसको कॉमन ले लेंगे, इसको ऐसे लिख रखना है कॉस ए प्लस बी डी ए बाई डी टी प्लस डी बी बाई डी टी। अगर इन दोनों में से साइन ए साइन बी, यहाँ भी साइन ए साइन बी है, तो अगर मैं साइन ए साइन बी को कॉमन ले लेता हूँ कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, यहाँ पर डीबी बाई डी टी को मैंने कॉमन ले लिया, डीबी बाई डी टी, अब डी ए बाई डी टी को कॉमन लेंगे उसमें क्या आ जाएगा माइनस फिर प्लस कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, और इसमें कॉमन आ गया डी ए बाई डी टी। अभी देखो इन दोनों टर्म में ये वाला पोर्शन सेम है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, और कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी को कॉमन लेते हैं, इसको लिखेंगे कॉस ए प्लस बी डी ए बाई डी टी प्लस डी बी बाई डी टी। अब हमने कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी को कॉमन ले लिया, तो अंदर में क्या बचेगा डी ए बाई डी टी प्लस डी बी बाई डी टी। अब ये और ये टर्म कट गया दोनों तरफ, हमारा आंसर आया कॉस ए प्लस बी इक्वल टू कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, एक ग्रुप करना था साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला से कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला डिफरेंशिएशन के जरिए प्रूव हो गया।